नमस्कार दोस्तों, आज का जो मेरा वीडियो है वह पुष्कर नवामशाह के ऊपर है। मुझे यकीन है आप में से बहुत लोगों ने पुष्कर नवामशाह के बारे में सुन रखा होगा, पर जहाँ तक मेरी सोच है मुझे ये लगता है कि ये कॉन्सेप्ट ज़्यादा यूज़ नहीं होता। लोगों को इसके बारे में जानकारी है बट मैंने शायद ही किसी एस्ट्रोलॉजर को इसको यूज़ करते हुए देखा हो। तो मेरा आइडिया ये है कि इस वीडियो के माध्यम से आपको पुष्कर नवामशाह के कॉन्सेप्ट थोड़ा क्लियर करूं, और आप यदि इसको यूज़ नहीं करते हैं तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपनी रीडिंग्स में यूज़ कीजिए, ताकि आप जो भी प्रिडिक्शंस दें उसमें आप चीज़ों को कॉन्फिडेंटली बता सकते हैं, और आप आपके गलती होने का भी स्कोप कम हो जाता है यदि आप ये छोटे छोटे जो कॉन्सेप्ट्स हैं इनको अपने यूज़ करते हैं रीडिंग्स में। तो मित्रों, पुष्कर नवामशाह क्या होता है, इसे कैसे यूज़ करना चाहिए, इसके बारे में मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊँगी। कृपा करके अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया मेरा वीडियो तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मेरा आइडिया ये है कि फ्यूचर में भी मैं जो भी वीडियोस बनाऊं वे आप सबके प्रैक्टिकल यूज़ में आए और आप उनको प्रैक्टिकली यूज़ करके उसका लाभ उठा पाएँ। तो आइए शुरू करते हैं पुष्कर नवामशाह के बारे में। दोस्तों, पुष्कर का मतलब है कि शुभ नवामशाह। ये नवामशाह वो होते हैं जो कि कुंडली में शुभ ग्रहों के नवामशाह होते हैं। और पहले तो आपको ये जानना है कि शुभ ग्रह कौन से होते हैं, जैसे कि गुरु के जो नवामशाह होते हैं, जैसे कि मीन राशि का नवामशाह हो गया या धनु राशि का नवामशाह हो गया, ये पुष्कर नवामशाह हो जाएगा। तो उसी प्रकार जो है तुला राशि का और वृषभ राशि के नवामश भी पुष्कर नवामशाह देते हैं। उसी प्रकार जो कर्क राशि है वह भी पुष्कर नवामशाह देती है और कन्या राशि भी देती है। तो यानी कि बुध की राशियां जो हैं वह आपको 3 पुष्कर नवामशाह देती हैं, कर्क राशि जो है जो कि चंद्रमा की राशि है वह भी आपको 3 पुष्कर नवामशाह देती है, बाकी गुरु की राशियां आपको कुल मिला के 9 पुष्कर नवामशाह देती हैं, और जो शुक्र की राशियां हैं वह भी आपको कुल मिला के 9 पुष्कर नवामशाह देती है। वो मैं आपको यहां समझाऊंगी किस प्रकार से। तो जो अशुभ ग्रह होते हैं जैसे कि मंगल हो गया, शनि हो गया और सूर्य हो गया, ये जो 3 ग्रह हैं ये आपको पुष्कर नवामशाह नहीं देते। तो मित्रों, जो भी आपके कुंडली के जो आपकी लग्न कुंडली है उसमें यदि कोई भी ग्रह इन डिग्रीज़ के बीच में बैठा है और इन राशियों के बीच में बैठा है तो वह पुष्कर नवामश का कहलाने वाला है, और वह बहुत बली हो जाता है। जो ग्रह पुष्कर नवामश की डिग्री का होता है या उस नवामशा में होता है वह बहुत बली हो जाता है, और वह ग्रह आपकी राशि चार्ट में, आपके लग्न चार्ट में जहाँ भी बैठा होगा उस भाव को भी बलि कर देगा, जिस ग्रह के साथ बैठा होगा उस ग्रह को भी बलि कर देगा, और पुष्कर नवामश की राशि में जो ग्रह बैठ जाएं वो भी बलि हो जाते हैं। पुष्कर नवामशा का ग्रह जहाँ देख रहा हो उस घर को भी फायदा हो जाएगा, और पुष्कर नवामश की खुद की राशियाँ भी, उस ग्रह की खुद की राशियाँ भी बहुत बलि हो जाती हैं। तो एक चीज़ और आपको याद रखनी है, यदि कोई ग्रह आपका पुष्कर नवामश का होने के बाद 6, 8, 12 के राशियों में बैठा है, आई मीन 6, 8, 12 के भावों में बैठा है, कोई भी ग्रह पुष्कर नवामश का होने पर यदि आपकी कुंडली में 6, 8, 12 में बैठ गया, इन भावों में बैठ गया, तो भी आपको वो अपने कारक संबंधित अच्छे फल ही देगा। जैसे कि मान लीजिए शुक्र की बात करते हैं, शुक्र जो है आपके विवाह का कारक है और धन संपत्ति का कारक है, वाहन का कारक है, बहुत सी चीज़ों का कारक है। तो यदि वह पुष्कर नवामश में पड़ता है और 6, 8, 12 में बैठा है तो आपको उसके कारक संबंधित तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, पर 6, 8, 12 में वह आपको हेल्थ रिलेटेड, आपके जो है हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स आपको वो दे देगा। तो यहाँ पर सिर्फ हेल्थ को कष्ट देते हैं, अदरवाइज़ आपको ये जो ग्रह हैं 6, 8, 12 में भी पुष्कर नवामश के ग्रह आपको अच्छे फल दे सकते हैं। तो मित्रों, आइए समझते हैं, जो हमारी जो अग्नि तत्व की 3 राशियाँ होती हैं, 1, 5 और 9 की जो राशियाँ होती हैं, उनमें यदि कोई ग्रह 7वें और 9वें नवामश का हो, 7वें नवामश का यानी कि 20 डिग्री से लेकर 23 डिग्री 20 मिनट के बीच में, या 26 डिग्री 40 मिनट से लेकर 30 डिग्री के बीच का यदि कोई ग्रह बैठा है इन 3 राशियों में से किसी एक राशि में,
मेष सिंह या धनु राशि में, तो वह ग्रह आपका पुष्कर नवांश का कहलाने वाला है। तो आइए आगे चलते हैं। यदि कोई ग्रह आपका पृथ्वी तत्व की राशि में बैठा है, यानी कि 2, 6 और 10, 2 यानी कि वृषभ, 6 यानी कि कन्या और 10 यानी कि मकर राशि, यदि कोई ग्रह इन 3 राशियों में से आपका 3 और 5 के नवांश में बैठा है, यानी कि 3रा नवांश हो गया आपका 6 डिग्री 10 मिनट और 5वां नवांश हो गया आपका 13 डिग्री 20 मिनट से लेकर 16 डिग्री 40 मिनट के बीच में, तो वो ग्रह भी पुष्कर नवांश का कहलाने वाला है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। यदि आपकी वायु तत्व की जो राशियां हैं 3, 7 और 11, ये आपकी वायु तत्व की राशियां हैं, इनमें यदि कोई ग्रह 6वें और 8वें नवांश का हो जाए, 6वें 8वें नवांश का मतलब 6ठा नवांश हो गया आपका 16 डिग्री से 40 मिनट, 16 डिग्री 40 मिनट से लेकर 20 डिग्री के बीच का हो जाए, या फिर 23 डिग्री 20 मिनट से लेकर 26 डिग्री 40 मिनट के बीच में बैठा हो इन 3ों में से किसी एक राशि में, तो वह भी पुष्कर नवांश का कहलाने वाला है। उसी प्रकार आपकी जो जल तत्व की राशियां हैं 4, 8 और 12, 4 यानी कि कर्क राशि, 8 यानी कि वृश्चिक और 12 यानी कि मीन राशि, यदि इन 3 राशियों में कोई ग्रह आपके पहले और 3रे नवांश में बैठ जाए, पहला नवांश यानी कि 0 डिग्री से लेकर 3 डिग्री 20 मिनट, यानी कि आपका कैंसर का नवांश पड़ गया, कैंसर यानी कि आपका कर्क का नवांश पड़ गया, उसी प्रकार 6 डिग्री 40 मिनट से लेकर 10 डिग्री के बीच में कन्या का नवांश पड़ गया, तो यदि कोई ग्रह इस डिग्री के बीच में बैठा है तो वह आपका पुष्कर नवांश का ग्रह कहलाएगा और वह आपको बहुत अच्छे फल देने वाला है। तो आइए अब इस थ्योरी को हम एक उदाहरण की कुंडली में लगाते हैं, जो कि मैंने हमारे प्रधानमंत्री श्री मोदी जी की कुंडली ली है, जो कि बहुत सालों तक गुजरात के चीफ मिनिस्टर भी रह चुके हैं और भारत के 2 बार प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं, फिलहाल भी वह अपना सेकंड टर्म काट रहे हैं एज अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। इससे पूर्व वे 2014 में बने थे 5 साल के लिए, फिर 2019 में री इलेक्शंस हुए जिसमें कि दोबारा से उन्होंने बहुत अच्छी जीत हासिल की। तो ये सब के क्या कारण है कि वह बार बार पावर में आते हैं और वह इतने लोकप्रिय नेता हैं, तो उसका कुछ तो कारण होगा। तो आइए उनकी कुंडली में इसका कारण देखते हैं पुष्कर नवांश के माध्यम से। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि उनकी कुंडली में कौन से ग्रह पुष्कर नवांश में हैं। हम यदि इनके लग्न की बात करें, जो कि वृश्चिक लग्न है, जो कि 1 डिग्री और 6 मिनट का है, यानी कि 1 डिग्री 6 मिनट का कोई ग्रह हो जाए तो 1 डिग्री 6 सेकंड का यदि कोई ग्रह हो, तो इसका मतलब ये है कि यह वृश्चिक राशि में पुष्कर नवांश में पड़ता है। ये देखिए, वृश्चिक राशि में 0 से 3.20 डिग्रीज के बीच में पुष्कर नवांश पड़ता है, तो यानी कि इनका पूरा जो एसेंडेंट है, लग्न है, वह ही पुष्कर नवांश का हो गया। तो यानी कि ये एसेंडेंट क्या होता है, इंसान खुद होता है, उसका पूरा जीवन होता है, उसकी थॉट प्रोसेस होती है, तो वो सभी चीज़ें जो हैं उनकी, उनको शुभ फल देने वाली हैं। वह जो भी सोचेंगे वे जनता के भले के लिए ही सोचेंगे और नेगेटिव नहीं सोचेंगे, और उनका जो पूरा जीवन है उनको शुभता की तरफ लेकर जाएगा, ये ऐसा इंडिकेशन मिलता है। अब देखिए, पुष्कर नवांश में इनके 2 ग्रह बैठे हैं, 1 मंगल और 1 चंद्रमा, तो ये ग्रह भी पावरफुल हो जाएंगे और इनके जो स्वामी हैं, जिन राशियों के ये ग्रह स्वामी हैं, वो राशियां भी आपकी बलि हो जाएंगी। ये नवे भाव का स्वामी है चंद्रमा, तो इनका नवा भाव भाग्य स्थान भी बलि हो गया, और मंगल जो है लग्नेश है, तो लग्न तो बलि हो ही गया, और 6ठे भाव का भी स्वामी है, तो 6ठा भाव से आपके रोज़मर्रा की जिंदगी आती है, आपके दुश्मन आते हैं, तो जो है इनके दुश्मनों से इनको कुछ हानि नहीं होने वाली, क्योंकि वो पुष्कर नवांश में बैठा है और इनकी रोज़मर्रा की जो ज़िंदगी है उसमें ये जो भी काम करेंगे वह बहुत इनको शुभता की तरफ लेकर जाएगा, तो ऐसा इसमें प्रतीत होता है। अब देखते हैं इनके मंगल को, जो कि पुष्कर नवांश में ही है, 0 डिग्री 57 मिनट्स का है और 0.57 डिग्रीज का है और स्कॉर्पियो के नवांश में पड़ता है, वृश्चिक राशि में पड़ता है मंगल। और यहाँ पर भी ये देखिए आप, वृश्चिक राशि में ये आपके पहले नवांश में पड़ रहा है,
यानी कि ये पुष्कर नवांश का मंगल हो गया। तो मंगल इनकी कुंडली में बहुत शुभ है और लग्नेश भी है और छठे भाव का भी स्वामी है। उसी प्रकार से मंगल क्योंकि चंद्रमा के साथ बैठा है तो उसने चंद्रमा को भी अच्छा कर दिया। तो हमने ये पॉइंट देखा। उसके बाद हम ये देखेंगे इनकी जो सिंह राशि है उसमें शनि जो है पुष्कर नवांश का है वो 29 degrees 39 minutes का है। तो यहाँ पर 29 degrees 39 minutes का यानी कि ये 5 number की राशि में ये पुष्कर नवांश का हो गया, ये धनु के नवांश में पड़ गया और ये इनको बहुत अच्छे रिजल्ट्स देने वाला है। और क्योंकि इनके शनि के साथ जो है शुक्र भी बैठा हुआ है और शुक्र इनका सप्तम भाव का स्वामी है और 12th भाव का स्वामी है, तो इनको सप्तम भाव से भी बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलने वाले हैं और 12th भाव के भी बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलने वाले हैं। और ये शनि जो है इनके 4th भाव को देख रहा है, तो 4th भाव जनता का है, तो इनको जनता से भी अच्छे रिजल्ट्स मिलने वाले हैं। और 4th भाव में गुरु बैठा है जो कि वक्री है, जो कि 5th भाव और 2nd भाव का स्वामी है, तो 5th भाव को भी बल दे दिया और 2nd भाव को भी बल दे दिया। यानी कि 5th भाव से पॉलिटिक्स आता है और 2nd भाव से आपकी स्पीच आती है, तो इनकी स्पीच जो वाणी है वो बहुत ही प्रभावशाली है और 5th भाव पॉलिटिक्स का है, पावर का है, तो पावर में भी शुभता आ रही है क्योंकि इनको जो है पुष्कर नवांश का ग्रह देख रहा है। तो मित्रों इस प्रकार से आपको इनके कुंडली का अध्ययन करना है। तो इनकी कुंडली में 2 ग्रह पुष्कर नवांश के हैं और लग्न पुष्कर नवांश का है। अब देखते हैं कि जब 2014 में ये प्राइम मिनिस्टर बने थे उस समय ग्रहों की क्या दशा थी। 2014 में इनकी चंद्रमा में राहु की दशा थी और चंद्रमा जैसा कि हम देख चुके हैं पुष्कर नवांश के ग्रह मंगल के साथ युक्त है, तो वह शुभ हो गया और बलि हो गया और जिस लग्न में बैठा है वह भी पुष्कर नवांश का ही लग्न है। तो चंद्रमा काफ़ी इनको शुभ फल देने वाला है और 9th भाव से रिलेटेड, तो यहाँ पर इनको पावर भी मिल रहा है और भाग्य भी मिल रहा है। तो इनकी जो महादशा है चंद्रमा की वह तो अच्छी जाने वाली है। उसके बाद उसमें राहु की अंतर्दशा आई। अब देखते हैं राहु की अंतर्दशा ने कैसे इनको फ़ायदा दिलाया। अब देखिए जैसे कि मैं पहले ही बता चुकी हूँ राहु इनके 5th भाव में बैठा है और अकेला बैठा है, तो इनको डिस्पोजिटर के, राहु का डिस्पोजिटर हो गया गुरु, क्योंकि गुरु की राशि में बैठा है, मीन राशि में, तो इसने गुरु को अच्छा कर देना अपनी दशा में। और गुरु जो है उसको शनि देख रहा है जो कि पुष्कर नवांश का है और मंगल भी देख रहा है अपनी चौथी दृष्टि से, वो भी मंगल भी पुष्कर नवांश का है, तो इनके गुरु को दोनों ग्रहों ने बलि कर दिया और राहु की दशा ने इनडायरेक्टली इनके गुरु के रिजल्ट्स दिए और इनको पॉलिटिक्स में जीत हासिल कराई और पॉलिटिक्स में लेके आया। तो ये ओवरऑल तो कुंडली इनकी स्ट्रांग है, इसीलिए ये पहले भी चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं और जब मंगल में राहु आया था तो राहु इनके 5th भाव में होके बली है और ये एक किस्म से राजयोग भी बना रहा है इनका राहु, क्योंकि राहु का डिस्पोजिटर जो है गुरु है वो केंद्र में बैठ गया त्रिकोण का स्वामी होने पर, तो राहु जो है इनका राजयोग भी बना रहा है, तो राहु ने भी इनको अच्छे रिजल्ट्स दिए। तो मित्रों इस प्रकार से हमने ये देखा पुष्कर नवांश ने भी अपना रोल प्ले किया है इनको प्राइम मिनिस्टर बनाने में। अब 2019 में इनकी चंद्रमा में केतु की दशा थी जो कि अभी भी चल रही है और चंद्रमा तो हम देख ही चुके हैं किस प्रकार से बली है। अब केतु की बात करते हैं। केतु इनका 11th भाव जो कि लाभ स्थान में बैठा है और लाभेश के साथ बैठा है, यानी कि जो इनका बुध है वह उच्च का बैठा है, स्वराशि का बैठा है और वो भी लाभ स्थान में, तो इनका केतु काफ़ी अच्छा बैठा हुआ है। और बुध जो है वो सूर्य के साथ लगभग 7 degrees का है, तो बुध ने सूर्य के भी रिजल्ट्स देने हैं। जब 2 ग्रह 7 degree के होते हैं तो बहुत एक जैसे रिजल्ट्स देते हैं। अब देखिए सूर्य जो है दशमेश है और 10th भाव में शनि बैठा हुआ है पुष्कर नवांश का, तो 10th भाव को तो उसने शुभता दे दी और वही शुभता सूर्य में भी आ रही है और सूर्य के थ्रू बुध में जा रही है और बुध से केतु में जा रही है। तो इनडायरेक्टली मैं कहूँगी कि केतु की दशा ने भी उनको अच्छे रिजल्ट दिए और पावर में लेके आया। और यहाँ पर भी देखो जब भी 10th और 11th भाव का कनेक्शन बनता है तो इंसान को अपने कार्य क्षेत्र में लाभ होता है, कहीं ना कहीं बेनिफिट होता है। और ये जो केतु है इनको इस प्रकार से उसने अच्छे रिजल्ट्स दिए। तो मित्रों यही है पुष्कर नवांशा।
आप इसको अपने चार्ट्स में लगाइए और देखिए किस प्रकार से कौन सा ग्रह आपको पुष्कर नवांश का होने पर अच्छे फल दे रहा है, और उसके बाद आप जो है चीज़ों को कॉन्फिडेंस और परफेक्शंस के साथ बता पाएंगे। तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहती हूँ मेरा वीडियो सुनने के लिए, और प्लीज़ डू आगे इसको आगे भी शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और सब्सक्राइब कीजिए यदि अभी तक आपने नहीं किया है। बहुत जल्दी आपको एक और नए वीडियो के साथ मिलूँगी। सुनने के लिए धन्यवाद।